दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच सुपर फोर का दूसरा मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार टॉस के बाद भारत और श्रीलंका के बीच आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम पर सुपर फोर का दूसरा मुकाबला अब शुरू हो चुका है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत करते हुए जड़ दिए कितने रन, कौन बल्लेबाज खेल रहा है कितने रन पर नाबाद, कौन पहुंच गया शतक के करीब, क्या चल रहा है भारत का स्कोर, प्लेइंग 11 टीम के साथ आपको सब बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से सुपर फोर का यह रोमांचक मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक है, और जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तब एक दूसरी टीम पर खतरा तो हमेशा मंडराता रहता है। और वैसे भी अभी श्रीलंका ने ओडीआई में जो इतिहास अपने नाम किया है वो आज तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है। जी हां दोस्तों, पिछले 19 मुकाबलों में लगातार 10 विकेट लेकर उन्होंने हर एक टीम को हराया है, और अब भारतीय टीम के खिलाफ भी वो ये रिकॉर्ड कायम करना चाहेगी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भारत की गेंदबाजी श्रीलंका से अच्छी है या फिर श्रीलंका की गेंदबाजी भारत से अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी टीम मैदान पर कुछ कर दिखाती है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच सुपर फोर का यह मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जा रहा है, और दोस्तों इस मुकाबले का इंतजार बेसब्री से पूरे भारत देश को है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहले हम एक जीत देखना चाहेंगे। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच यह रोमांचक मुकाबला आप सभी अपनी लाइव टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकते हो, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है, जहाँ आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अन्य भाषाओं में इस मुकाबले का आनंद ले पाओगे। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों आपको हम बताते हुए चलें कि भारत और श्रीलंका के बीच इस मुकाबले के दौरान बारिश होने की लगभग 70% तक आसार जताए गए हैं, और दोस्तों मैदान पर अगर बारिश हो गई तो यहां पर मुकाबले में खलल पड़ता हुआ तो नजर आएगा ही, और साथ में मैच को लगभग रोक देना भी पड़ सकता है, और आप सभी को थोड़े कम ओवर के ही मुकाबले खेले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आज तक विदेशी सरजमी पर कुल मिलाकर 42 मुकाबले खेले गए हैं, जहां 42 में से 30 मुकाबले भारत ने अपने नाम किया तो वहीं 12 मुकाबलों में श्रीलंका की टीम को जीत मिली है, जिसके चलते यहां पर ये आंकड़े तो साफ कर देते हैं कि भारतीय टीम के आगे श्रीलंका की टीम कुछ भी नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा कप्तान ने शतक जड़ने की वजह से पूरी प्लेइंग 11 टीम भी बदल डाली है। यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है, श्रेयस अय्यर की जगह पर विराट कोहली टीम का हिस्सा बने हुए हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं फिर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को खिलाने का फैसला किया गया है। वहीं बात करें अगर श्रीलंका की टीम के बारे में तो श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ने पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में पथुम निसंका, चरित असलंका, सदीरा समर विक्रमा, दसुन सनाका, धनंजय डी सिल्वा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं गेंदबाजी में कसुन रजिता, दिनुत वालीलेख, मथीसा पतिराना और महेश तीक्षणा को मौका मिला है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले के बारे में, और आपके अनुसार भारत की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ कौन शतक जड़ेगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली या फिर हार्दिक जडेजा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।